आप सभी का स्वागत है। अभी मैं मौजूद हूँ जसीडी रेलवे स्टेशन में। आपको बता दें कि जसीडी रेलवे स्टेशन अपने आप में बहुत ही ज्यादा फेमस है, क्योंकि अभी जो है सावन का मंथ चल रहा है। तो सावन के मंथ में यहाँ पे हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, और कैसे पहुंचते हैं, किस तरीके से आप बाबा का दर्शन कर सकते हैं, यहाँ से बाबा धाम की दूरी कितनी है और कैसे आप जा सकते हैं, पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। क्योंकि अभी का जो अपडेट है वो हम आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि अभी सावन चालू हो चुका है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे लाखों की संख्या में भक्तजनों की लंबी कतार लगी हुई रहती है। चाहे आप रात को विजिट कर रहे हैं, दिन में विजिट कर रहे हैं, कभी भी आप विजिट कर रहे हैं, लोगों की जनसंख्या आपको काफी ज्यादा मिल जाएगी। अभी आप देख सकते हैं रात्रि का टाइम है, लेकिन लोगों की जनसंख्या बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि अभी जो ट्रेन आई उससे काफी संख्या में लोग आए। अभी आप देख बहुत संख्या में लोग बाहर निकले, जिसकी वजह से अभी थोड़ा सा कम दिख रहा है, लेकिन बहुत ही ज्यादा है। अंदर क्या क्या व्यवस्था है, अगर आप बोलबम आ रहे हैं तो आप कैसे जा सकते हैं बाबा धाम यहाँ से, और बाबा धाम जाने के लिए कौन सी ऑटो लेंगे, कैसे जाएंगे, कितना किराया पड़ेगा, साथ साथ में रेलवे जंक्शन में क्या क्या व्यवस्था है रात को रुकने के लिए, ये पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं इस वीडियो में। और लगातार हम आपको वीडियो दिखाने वाले हैं, देवघर का अपडेट आपको देने वाला है जो कि बोलबम का। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे और वीडियोस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार हम कवरेज करेंगे पूरे देवघर यात्रा का। तो अभी हम आपको अंदर ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं, ये मेन एंट्रेंस गेट है, इसके अंदर जाते हैं, और साथ साथ में कहाँ से आप बाहर में बस पकड़ सकते हैं वो भी दिखाता है। ये पूरा एरिया जो है ये पार्किंग एरिया कहलाता है, जहाँ पे आप गाड़ी वगैरह पार्क कर सकते हैं। लेकिन हालांकि अभी जो है यहाँ पे पार्किंग के लिए आपको सिर्फ जो है वन व्हीलर, जब आप टू व्हीलर से आएंगे तो यहाँ पे आपको छोड़ के और बाहर चल जाना पड़ेगा। अभी जो है ऑटोज वगैरह का पार्किंग यहाँ पे नहीं है अलाउड, क्योंकि अभी सावन का मंथ चल रहा है उसकी वजह से अलाउड नहीं है। हालांकि कुछ गाड़ियां लगी हुई है जो कि आप यहां पे पार्क कर सकते हैं फोर व्हीलर में, लेकिन अगर आप ऑटो वगैरह यहां पे पार्क करना चाहते हैं तो नहीं पार्क होगा, बाहर से ही ऑटो मिलेंगी और बाहर से ही आपको लेना पड़ेगा। अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये है आपका मेन एंट्रेंस गेट, क्योंकि पूरी तरीके से अभी जो है तब्दील कर दिया गया है पंडालों में बना के, क्योंकि जब लोग अभी जो है जब बम लोग आएंगे तो उनकी सुविधाओं के लिए सारी व्यवस्था की गई है झारखंड सरकार और जो है यहाँ के गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको फास्ट एड के लिए मिल जाता है, प्राथमिक चिकित्सा जो है केंद्र यहाँ पे मिल जाता है, जो कि बिल्कुल जंक्शन के सामने है। ये आपका जंक्शन पड़ता है, ये आपका जसीडी जंक्शन जो कि सामने के लोकेशन में आपको दिख रहा होगा, और इसी के सामने में आपको ये मिल जाएगा, जहाँ पे इस वाले चिकित्सा केंद्र में आप जो है दवाइयाँ वगैरह फ्री में ले सकते हैं, कोई पैसा चार्जेबल नहीं है। आगे के लोकेशन में अगर हम चलेंगे तो आगे जो है टॉयलेट की सुविधाएं बनाई गई हैं, और ये पूरा लोकेशन में पंडाल बनाया गया जहाँ पे आप रात को स्टे कर सकते हैं। अगर आप रात को यहाँ पे आ जाते हैं और आपको रुकना है तो आराम से कम्फर्ट होकर आप यहाँ पे रुक भी सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप रुक सकते हैं। ये देख सकते हैं आगे जाएंगे तो यहाँ पे आपको टॉयलेट की सुविधाएं मिल जाती है, साथ साथ में कुछ दुकानें मिल जाती है। ये जितना है ये जंक्शन के अंदर का हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि ये जंक्शन के अंदर ही पड़ता है। यहाँ देखिए आपको यहाँ पे रिफ्रेशमेंट रूम भी मिल जाता है, जो कि इसको भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। रिटायरिंग रूम भी अवेलेबल है, उसको भी आप बुक करा सकते हैं, IRCTC की वेबसाइट में जाके ऑनलाइन बुक करा लें। यहाँ पे आपको रिफ्रेशमेंट रूम मिल जाता है, और इसके साथ साथ में यहाँ पे ये जो है पूरा जो है एरिया, ये आपका टॉयलेट का आगे का लोकेशन में, जहाँ पे फ्री में टॉयलेट वगैरह भी आप यूज कर सकते हैं। आगे से भी आप सीढ़ी में चढ़ के और फिर जंक्शन के अंदर जा सकते हैं, और इस वाले लोकेशन से भी आप जंक्शन के अंदर जा सकते हैं। ये आपका टिकट काउंटर है, जो कि टिकट घर लिखा हुआ है। ये पूरा एरिया को कवर किया गया, अगर बारिश भी होता है तो बारिश के मौसम में भी यहाँ पे अंदर में जो है भींग नहीं सकते हैं, आराम से आप कम्फर्ट होके यहाँ पे आप रुक सकते हैं। तो ये यात्रियों के लिए विशेषकर ये ध्यान में रख के किया गया, जो कि पूरा सावन तक इसी तरीके का माहौल आपको जसीडी रेलवे जंक्शन में देखने को मिलेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, आप आइए, आपका मोस्ट वेलकम है, और कुछ इस तरीके से आप पूरी तरीके से यहाँ पे रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जगह जगह पे पुलिस लगाया गया, जगह जगह पे लोग हैं, और जगह जगह पे आपके हेल्प के लिए सारे यहाँ पे आपको मौजूद मिलेंगे, तो ऐसी दिक्कत नहीं है। ये देखिए लगातार जो है यहाँ पे लोग, जनसंख्या बढ़ती जाती है, जैसे कोई गाड़ी आती है ना बहुत ज्यादा भीड़ होता है। अभी हालांकि चिकित्सा केंद्र खोला नहीं गया, लेकिन खोल दिया जाएगा, और इसमें अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पे जो है पूरा ये लाइनिंग लगाया गया है, ये एग्जिट पॉइंट है जहाँ से आप एग्जिट हो जाइएगा, और यहाँ पे लिखा हुआ है देख सकते हैं प्रवेश द्वार, यहाँ से आप प्रवेश कर सकते हैं, और ये आपका टिकट घर है जो कि सामने के लोकेशन में, अंदर जाके वहाँ से वहाँ आपको टिकट मिल जाएगा। टिकट लेने के बाद आगे की लोकेशन में जाएं तो वहाँ पे आपको पूछताछ मिल जाता है, जहाँ पे आप पूछताछ कर सकते हैं कौन सी गाड़ियाँ कब आ रही है, वो भी काउंटर बनाया गया। अंदर में ही रेलवे स्टेशन के अंदर में ही आपको फूड ट्रैक मिल जाता है, जहाँ पे खाने पीने की सुविधा है, और ये एग्जिट पॉइंट है, यहाँ से आप एग्जिट होइएगा और यहीं से आपको एंट्री होना है। एंट्री होने के बाद अलग अलग प्लेटफॉर्म है जहाँ से अलग अलग गाड़ियाँ चलती है, यहाँ से आपको सुल्तानगंज की दूरी हम बता दें आपको, जो कि लगभग यहाँ से आपको 4 घंटे लग जाएंगे। अगर आप ट्रेन के माध्यम से जाते हैं तो आपको 75 रुपये एक्सप्रेस में लगेगा, 75 से 80 रुपये, एंड अगर आप बस से जाते हैं तो यहाँ से आगे जाके बस भी मिल जाती है, जो कि बस वाले 100-150 रुपये आपको लेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ से सुल्तानगंज के लिए गाड़ी पकड़ सकते हैं। तो ये है रेलवे स्टेशन, कुछ इस तरीके से है अभी,
अभी का माहौल हम आपको दिखा रहे हैं बोलबम की यात्रा के टाइम का, जो कि कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। और ये लोगों की जनसंख्या है, बाहर आपको गाड़ियां ही गाड़ियां मिल जाएंगी बहुत सारी, और इस साइड पे देखें तो इधर भी आपको बहुत संख्या में लोग मिल जाएंगे। तो यही है, रात को आप आराम से अगर रात को स्टे करना है तो ये जो लोकेशन आपको दिख रहा है इसमें आप प्लास्टिक वगैरह लगा के और आराम से कम्फर्ट होकर सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस प्रशासन के साथ साथ सारे लोग यहाँ पे मौजूद रहते हैं, तो ऐसा आपको रात को दिक्कत नहीं होगा, आराम से आप सो सकते हैं। आगे की लोकेशन में भी सोने की व्यवस्था है, इधर भी सोने की व्यवस्था है, और ये अंदर जो है वो एंट्री लेने की व्यवस्था है। और ये बाहर देखिए पूरा अभी सजा दिया गया, तो अभी इस पूरे लोकेशन को कवर कर दिया गया, चूंकि बारिश का मौसम है, सावन में जानते हैं बारिश भी होती है, तो उसकी वजह से अभी हम आपको बाहर ले चलते हैं और दिखाते हैं कहाँ से आप देवघर बाबा धाम के लिए यहाँ से जा सकते हैं, कैसे गाड़ियाँ ले सकते हैं, कैसे जो है ऑटो ले सकते हैं, जब कभी भी आप यहाँ उतरिएगा तो यहाँ से आप कैसे ले सकते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। यही है दोस्तों जो कि जसीडीह रेलवे स्टेशन का मुख्य गेट है, आप देख सकते हैं यहाँ से जैसे ही आप निकलिएगा ना आपको इसी वाले जो है प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर एग्जिट होना है। इधर से जैसे ही आप एग्जिट होते हैं तो सामने के लोकेशन में ही बाहर निकलिएगा, और निकलने के बाद ही ये जो सामने लोकेशन है यहाँ से थोड़ा सा आगे जाइएगा तो वहाँ से आपको बहुत सारे ऑटो मिलेंगे, और उन ऑटो के जरिए फिर आप यहाँ से बाबा धाम जा सकते हैं। यहाँ से बाबा धाम की दूरी जो है लगभग 7 किलोमीटर है, जो कि आपको अगर आप ऑटो से जाते हैं तो किराया 15 रुपये है, और अगर आप टोटो से जाते हैं तो आपका 10 रुपये किराया लगे, सॉरी 20 रुपये किराया लगेगा। तो इसको आप हमेशा नोट रखें कि आपको अगर आप ऑटो से जा रहे हैं तो 15 रुपये ही देना है शेयरिंग में, नॉट ए बुक कह रहे हैं, बुक में अगर आप करते हैं तो ज़्यादा पैसा लिया जाएगा। अगर आप शेयरिंग में जा रहे हैं तो 20 रुपये, और अगर आप टोटो में जा रहे हैं तो 20 रुपये, और ऑटो में जा रहे हैं तो 15 रुपये आपको देना है। और ये देख सकते हैं भीड़ कितना ज़्यादा है, तो यहाँ से आपको एग्जिट होना है, जैसे अभी आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा लोग हैं, चूंकि अभी बोलबम चालू हो गया उसकी वजह से, तो यहाँ से आपको बाहर निकलना है। जैसे लोग निकल रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं, इसी वाले रूट में थोड़ा सा आगे आइएगा तो यहाँ से आपको बहुत सारे ऑटो मिलेंगे। इस रोड में आपको जाना आगे, आगे आपको एक मोड़ मिलेगा वहाँ से भी मिलेगा, और आगे जाइएगा तो आगे भी ऑटो है, क्योंकि ऑटो को अभी अंदर जाने के लिए अलाउ नहीं है, तो जिसकी वजह से सारे लोग ना बाहर जाके ही ऑटो ले रहे हैं। तो आपको यहाँ से बाहर निकलना है, जैसे ये सारे लोग निकल रहे हैं यहाँ आपको कोई ऑटो नहीं मिलेगा, चूंकि अभी ज़्यादा भीड़ हो रही है जिसके कारण से यहाँ पे ऑटो को प्रवेश करना जो है अनाधिकृत कर दिया गया। पुलिस प्रशासन की पूरी तरीके से मौजूदगी है, साथ साथ में यहाँ पे बहुत सारे बूथ मिल जाएंगे हेल्प करने वाले, तो आपको बोलबम में अगर आप अभी आ रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं है। तो रेलवे स्टेशन से बाहर निकलना है और यहाँ से जो है सामने के लोकेशन में जाइएगा तो आपको वहाँ से ऑटोज और गाड़ियाँ लगातार मिल जाएंगी, जिसके जरिए फिर आप जा सकते हैं। और खाने पीने की बात करें तो यहाँ पे रेलवे स्टेशन ये है, और रेलवे स्टेशन से जंक्शन से जैसे बाहर निकलेगा यहाँ पे बहुत सारे दुकान मिल जाएंगे खाने पीने का ऑप्शन, जो कि पूरी तरीके से वेजिटेरियन मिल जाएगा आपको, और लहसुन प्याज भी बहुत सारे होटल में नहीं दिया जाता, तो आप चिंता ना करें, बिना लहसुन प्याज का भी मिल जाएगा। ये पूरा लोकेशन जो है ये जसीडीह रेलवे स्टेशन का है, जो कि कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो अंदर में जो है जगह जगह पे टीटी लगाया गया, तो इसकी वजह से आपको ना टीटी जो है हमेशा चेक करते हैं, तो वो क्या है कि अगर आप आ रहे हैं तो आपको टिकट कटा के ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी टिकट जो टीटी है वो भी बहुत संख्या में भर दिया गया है। देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे मकई वगैरह भी मिल जाएगा खाने पीने का, सारे चीज़ों का साधन यहाँ पे उपलब्ध है। तो हमने आपको बताया कि आपको जंक्शन से बाहर निकल के और सीधा रोड में आगे जाना, आगे जाके आपको ऑटो ले लेना है। स्टेशन की अंदर की हाल की बात करें, देखने में कैसा लगता है, तो देखिए यहाँ पे आपको एसी रिफ्रेशिंग लाउंज मिल जाता है, जो कि कुछ इस तरीके से बनाया गया, साथ साथ में ऑफिसर रेस्ट हाउस है, इसके साथ साथ में डोरमेट्री है, तो डोरमेट्री तो आप ऑनलाइन बुकिंग करवाएंगे तब भी आपको अलाउड मिलेगा, तो उसके लिए आपको IRCTC के वेबसाइट पे जाना है और वहाँ से आप बुक करा सकते हैं, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 के जस्ट बगल में मिलेगा। ये देख सकते हैं डॉर्मेट्री लिखा हुआ है, यहाँ से अंदर जाइएगा, अंदर ही आपको इस सेकंड फ्लोर में जो है डॉर्मेट्री रूम अवेलेबल मिलेंगे, तो आपके टिकट कन्फर्म होना चाहिए और डॉर्मेट्री रूम आप आराम से बुक करा सकते हैं और यहाँ पर रुक सकते हैं। तो ये आपका अंदर में है, वहाँ से आप लाउंज जा सकते हैं और डॉर्मेट्री रूम जा सकते हैं। स्टेशन मैनेजर का रूम आपको इधर मिल जाएगा, जहाँ पे स्टेशन मैनेजर के लिए और एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में जाने के लिए यहाँ पे फुट ओवर ब्रिज भी बनाया गया, साथ साथ में जगह जगह पे ब्रिज बनाया गया, तो आप आराम से कम्फर्ट होके जा भी सकते हैं, तो ऐसा दिक्कत नहीं होगा। स्टेशन को स्वच्छ रखा जाता है जगह जगह पे, लगातार जो है देखिए सफाई वगैरह होता है, और कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा जसीडीह रेलवे स्टेशन जब कभी भी आप आएंगे। तो अभी हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 जा रहे हैं, क्योंकि हमारी ट्रेन वहीं पे आ रही है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, तो 2 पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं 2 में क्या क्या व्यवस्था है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी चिकित्सा केंद्र लगाया जा रहा है, तो ये जब बोलबम यात्रा जब चालू हो जाएगा ना, ये अभी देख सकते हैं अभी जो सावन जो चालू हो चुका है, तो ये सारी व्यवस्था आपको यहाँ पे मिल जाती है। रेलवे सुरक्षा बल जो है जसीडीह का, वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 में जाने के लिए यहाँ पे एस्केलेटर का भी सहारा ले सकते हैं, ये देखिए एस्केलेटर भी लगाया गया है, जो कि इससे भी आप
प्लेटफॉर्म नंबर 2 की ओर प्रवेश कर सकते हैं। तो एस्केलेटर अभी चालू नहीं है, तो ये चालू कर दिया जाएगा, हालांकि ख़राब होगा इसी वजह से चालू नहीं है, लेकिन ये भी चालू हो जाएगा। तो ये पूरा जानकारी था दोस्तों जसीडीह जंक्शन का, जो हमने आपको दिखाया कि कैसे आएंगे और क्या क्या चीजें हैं और यहाँ से बाबा धाम कैसे जा सकते हैं। जंक्शन की पूरी जानकारी दी है, जो कि अगर आपका टिकट कंफर्म है तो डोरमेट्री रूम आप जरूर बुक करा लीजिएगा, क्योंकि होटल से सस्ता पड़ेगा डोरमेट्री और रिटेयरिंग रूम, जो कि बहुत ही सस्ता है। तो ये आप सारी चीजें आपको जानकारी मैंने आपको दिया, आशा वीडियो पसंद आएगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बोलबम के यात्रा का और भी अद्भुत जानकारियों के साथ में, जो कि लगातार हमारे चैनल में आप देख सकते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बोलबम।